हम अभी मौजूद हैं पटना उच्च न्यायालय में और हम आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ देर में रविशंकर प्रसाद यहाँ आने वाले हैं। पटना हाई कोर्ट के वकील जितने सारे हैं वो सारे रविशंकर प्रसाद के स्वागत के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम वकील गेट पे खड़े हैं। पटना हाई कोर्ट में अभी रविशंकर प्रसाद पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जितने भी वकील हैं उन्हें माल्यार्पण कर रहे हैं, उन्हें उनके गले में माला पहनाया जा रहा है। साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद का रिश्ता यहाँ से काफ़ी पुराना रहा है। तमाम साथीगण जो हैं जो उनको माला पहना रहे हैं और साथ ही यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी लग चुकी है जो कि पटना साहिब का, जैसा कि रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से इस बार उम्मीदवार हैं। मैं पटना में हर जगह वोट मांग रहा हूँ। मैंने अपने ज़िंदगी की शुरुआत पटना हाईकोर्ट से की थी, आज राष्ट्रीय स्तर पर काम करता हूँ, लेकिन आज मेरे यहाँ सैकड़ों मित्र हैं, परिचित हैं, तो यहाँ पर मैं उनके शुभकामना लेने के लिए आया हूँ। इसी क्रम में यहाँ आना हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही निर्णायक ऐतिहासिक जीत होगी। धन्यवाद। और उन्हीं के अगर अपोजिशन में बात की जाए तो यहाँ पे कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा खड़े हुए हैं। हालांकि प्रचार प्रसार में रविशंकर प्रसाद पूरी तरह लग गए हैं और वो यहाँ पे आकर हाईकोर्ट में अपने साथियों से मिलकर वोट की अपील भी कर रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं, अपने सरकार के बारे में बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या रविशंकर प्रसाद शत्रुघ्न सिन्हा को मात दे पाते हैं या नहीं। आप बने रहें हमारे साथ। मैं धीरज कुमार, कैमरा पर्सन राकेश के साथ, सनमार लाइव पटना।